अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज लाइव विद फौजी के किचन में एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज क्या बन रहा है? आज कुछ स्पेशल बन रहा है और उस स्पेशल का नाम जो है ना वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगी। बस इतना बताऊँगी कि ये एक थाई डिश है, तो हमारे साथ रहें और हम पूरी रेसिपी को बहुत गौर से देखिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। बल्कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों तो उनके सामने ये आप पेश करें, आपको उनको भी बहुत पसंद आएगी। आपकी फेमस रेसिपी बन जाएगी ये आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मेरे घर में ये मोस्ट फेमस है। सब लोग आते हैं तो यही कहते हैं जी हमें वही बना के खिलाएं। तो चलें जी आज की रेसिपी शुरू करते हैं, हमारे साथ रहें और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये आप लोगों का प्यार होता है, ये हमारी हौसला अफजाई हो जाती है इससे। और ऐसी ही मजीद रेसिपीज के लिए हमें लाइक फॉलो शेयर ज़रूर किया करें। तो चलें जी अपनी रेसिपी के साथ मिलते हैं किचन में। आज क्या बनने जा रहा है? ये तकरीबन आधा किलो बोनलेस हमारे पास है, इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आपने हमारे साथ रहना और देखना है कि आज मैं क्या कौन सी स्पेशल डिश बना रही हूँ। ये तीन चार स्टेप में बनेगी ये डिश, तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं सिर्फ इसको मैरिनेट करने लगी हूँ तिक्के मसाले के लिए। तिक्के मसाले के लिए इसको मैरिनेशन जो इसमें लगानी है, जो जो चीज़ें लगानी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें जी, सबसे पहले इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। ये मैंने नमक लगा लिया, इसमें नमक डाल के फिर इसको मैंने कूट लिया है, इसको मैंने हाथ से कूटा है, उसमें ग्राइंडर में नहीं किया हुआ। ये आधी चम्मच चिली फ्लेक्स की जाएगी, थोड़ा सा इसमें हल्दी एक चुटकी के बराबर, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा कलर नहीं करना। ये एक चम्मच में इसमें लाल मिर्च का डाल रही हूँ, एक चम्मच में इसमें ये ज़ीरा ये खुश्क धनिया पाउडर डाल रही हूँ और नमक मैंने पहले से इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून सोया सॉस। सिरका आज हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं सिरका नहीं डाल रही, थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा कर लिया है। अब जो चीज़ नहीं है उसके बगैर सब कुछ बनाना सीखें। ये चिली सॉस में इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ये चिली सॉस के डाली है। बस अब मैंने इसको मिक्स कर लेना है। बस मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन आधा पौना घंटा रखूँगी, फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे अपने जैसे तिक्के मसाले को भूनते हैं। ये हमारा मसाला इसमें लग चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा इसमें जो गरम मसाला होता है ना, साबुत गरम मसाला, वो भी डाल लूँगी, वो भी मैं आपके सामने ही डाल लूँगी। तो चले जी इसको हम आधा घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। बाकी नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके साथ मिलते हैं थोड़ी देर में। चले जी हमारी मैरिनेशन को हो गए हैं तकरीबन 20 मिनट, तो अब हम इसको जो है ना फ्राई करेंगे। ये हमने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी डाला है और अब ये मैं जो है ना चिकन सारा इसमें डाल के पहले थोड़ा फ्राई करूँगी, फिर उसको अच्छे से गला लेंगे। इसको ज़ाया नहीं करना, इसमें थोड़ा पानी डाल के, तो जब हम इसमें पानी डालेंगे ना तो ये हम सारा मसाला इसमें पानी डाल के डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। इसका कलर चेंज हो जाए अच्छे से, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी चिकन हमारा भुनना शुरू हो चुका है और ये इसको मैंने सारा मसाले में पानी थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको मैंने सारा साफ कर लिया और अब ये जब अच्छे से भून जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर ये चिकन अच्छे से जब गल जाएगा ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हम इसको उतार के साइड पे कर लेंगे और हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखिए जी चिकन हमारा अच्छे से इसका ये भून रहा है, अभी ये भून रहा है क्योंकि अभी इसके अंदर अपना पानी मौजूद है। तो अब ना मुझे इसका कलर थोड़ा डल लग रहा है, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालो, अगर नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें। बस ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इसे कलर चेंज हो जाएगा तो ये अच्छा लगेगा, जो हमारी डिश है उसके अंदर ये कलर अच्छा जाएगा। तो मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें इसका कलर, अब देखें कितना अच्छा हो गया। ये भुन भी बहुत अच्छे से रहा है, तो चलें अब हम इसको थोड़ा सा और भून के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के
इसको 5 मिनट के लिए हम गला लेंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए। चलें जी, चिकन तो हमारा हो रहा है और बाकी का नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है। एक अदद मैंने बड़ा वाला प्याज लिया, आधा टमाटर लिया है, ये 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और ये थोड़ा सा धनिया, इसको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। ये बनाएंगे हम ऑमलेट का बैटर। और ये 3 अदद अंडे हैं हमारे पास, पहले हम इसको चॉप कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे चॉपर में ये चीज़ें चॉप हो गई हैं, बस थोड़ी सी हम इनको ना और कर लेंगे। चलें जी, ये हमारा बैटर हो गया रेडी। और टमाटर जो है ना, मैंने वो उसमें चॉप नहीं किए, इसको मैंने जो है ना खुद ही हाथ से ना छुरी के साथ काट लिया ताकि ये ज़्यादा जो है ना बिल्कुल मैश ना हो जाए। तो अब हम जो है ना इसमें अपने अंडे शामिल कर लेते हैं। अंडे भी मैंने इसी के अंदर डाल लिए हैं ताकि ये जितना भी बाकी का सारा वो बैटर लगा हुआ है वो भी अंडों में आ जाए। ये रहा जनाब हमारा बैटर, और ये हम अपने इसमें मसाले में डाल देते हैं जो हमने रेडी किए हैं। अब हम इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और रेड मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, हरी मिर्च इसमें है। तो अब बस इसमें हम ये चीज़ें डाल के तो मिक्स करके पूरा बैटर ऑमलेट का रेडी कर लेते हैं। ये ले जी, चिकन हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। और अब हम इसको बंद, इसकी आग नीचे से बंद करके, तो ये हमने कोयले का भी इसको धुआं देना। चलो जी, ये इसमें हम नमक अपने हस्बे ज़रूरत डालेंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये भी अपनी मर्ज़ी से कि आपको कितनी मिर्च चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी ही इसमें मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। बस ये हमारा ऑमलेट का बैटर हो गया रेडी। तो अब हम ऑमलेट बनाएंगे। तो चलें जी, ये हमारा ऑमलेट रेडी हो रहा है। बस ये ऑमलेट रेडी हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा। और ये जनाब, ये हमारे वाइट चावल, हमने इनको सिर्फ बॉयल किया है, ये उबले हुए वाइट चावल हैं। और बाकी की रेसिपी आप लोग कह रहे होंगे पता नहीं क्या चीज़ बन रही है, अनोखी क्या है ये डिश जो है ना, ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनेगी। और जब भी आपके घर में गेस्ट आए तो आपने ये डिश बनानी है, तो आपकी बस बैजा बैजा हो जाएगी। चलो एक मिनट खामोश। चलें जी, ये हमारी डिश की हो गई मुकम्मल प्रिपरेशन, हर चीज़ रेडी। तो अब हम आते हैं अपनी प्लेट की डेकोरेशन पे। तो चलें जी, हमारे साथ ही रहें, कहीं मत जाइएगा, आज की डिश बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये डिश आपको कहां से कहां पहुंचाएगी, ये डिश बहुत ही मज़ेदार डिश होती है, आप खाएंगे तो आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा। तो चलें, अब हम अपनी जब प्लेट डेकोर करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि असल लुक इसकी है क्या। चले जी, ये हमारी डिश हो गई है असेंबल, ये हमने रेडी कर दी है, ये देखें जनाब। और इस डिश का नाम है कोपत थाए, ये बेसिकली थाए की डिश है, जो थाए में बहुत ज़्यादा लोग इसको खाते हैं। और मेरे हस्बैंड जब थे थाईलैंड में तो वो ये डिश बहुत शौक से खाते थे, और जब से ये उन्होंने वो हमें आके बताई दी उसके बाद हमारे घर में ये बहुत शौक से खाई जाती है। और जो भी खानदान वाले आते हैं वो हमारी इस डिश को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आप भी इसको बनाएं और अपनी बैजा बजा करवाएं। और ये जो चटनी है हमने ऑप्शनल रखी है कि अगर किसी को पसंद है तो वो ये साथ यूज़ कर ले, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पूरी मुकम्मल हमारी आज की डिश 3 हिस्सों में रेडी हो गई है। तो चले जी, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। और ऐसी ही मज़ीद रेसिपीज के साथ मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखें।